सासनी के गांव नोजरपुर में दिनदहाड़े अमरीश शर्मा नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और इसी क्रम में हाथरस के पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम तक गठित की गई थी। तत्काल कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। शेष वांछित आरोपी जितेंद्र उर्फ जीतू, जो कि 6 महीने से फरार चल रहा था, जिस पर की हाथरस पुलिस अधीक्षक के द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था, आज सासनी पुलिस व आगरा जोन स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में जितेंद्र उर्फ जीतू को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की, जिसकी निशानदेही पर आला कत्ल एवं अवैध तमंचा 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हाथरस के थाना सासनी पुलिस एवं आगरा जोन की स्पेशल टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक 25,000 रुपए का इनामिया वांछित हत्याभियुक्त जितेंद्र उर्फ जीतू को गिरफ्तार किया गया है तथा उसकी निशानदेही से आला कतल एक अवैध तमंचा व खोखा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। मार्च 2021 में इस इनामिया बदमाश द्वारा अपने अन्य साथियों सहित एक हत्या की घटना कारित की गई थी, जिसके उपरांत मुकदमा पंजीकृत करते हुए थाना सासनी पुलिस द्वारा इसके अन्य साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और तब से ये बदमाश फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।